हेलो एवरीवन, आज हम हैं डॉक्टर विनीता गोयल के साथ जो कि एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और काम करती हैं फोर्टिस दिल्ली में। ये हमारे यहाँ अमृतधारा हॉस्पिटल में हर महीने दो बार आती हैं और कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं। तो आज हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आजकल कई बार सुनने में आता है कि इसे कैंसर हो गया या उसे कैंसर हो गया, तो क्या कैंसर का अकरेंस बढ़ रहा है या फिर बस ऐसा ही लगता है? सो एक्चुअली ये करेक्ट है कि कैंसर का इंसिडेंस वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। उसके इंक्रीज होने का जो मेन कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी जीवन शैली है, जैसे कि लेट मैरिजेस होना, जंक फूड ज़्यादा यूज़ करना, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा हार्मोनल थेरेपीज वगैरह को यूज़ करना, या इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल, दीज आर फ्यू फैक्टर्स जिनके कारण एक्चुअल में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो डॉक्टर विनीता, कौन कौन से ज़्यादा कॉमन कैंसर्स हैं जो आप लोगों में पाते हैं? सो जो कैंसर्स हैं उनका टाइप वेरी करता है मेन और वेमेन। अगर हम लेडीज़ की बात करें, औरतों की बात करें, तो उनमें जो कॉमन कैंसर्स होते हैं वो होता है ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का कैंसर, सेकेंड नंबर पर आता है सर्विक्स का कैंसर, और उसके बाद आता है मुंह और गले का कैंसर। अगर हम जेंट्स की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो उनमें ज़्यादातर जो कैंसर देखे जाते हैं वो मुंह और गले के कैंसर होते हैं, उसके बाद फेफड़े का या लंग का कैंसर होता है, और उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर कॉमन कैंसर है। ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, बट ये सर्विक्स कैंसर क्या होता है, क्या इसके बारे में कुछ डिटेल में बताएंगी आप? अगर हम फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखते हैं, तो हम सब लेडीज़ के अंदर एक ऑर्गन होता है बेबी बियरिंग ऑर्गन, जहाँ बेबीज जहाँ से निकलते हैं, यूट्रस कहते हैं जिसको, और उसके नीचे होता है बर्थ कैनाल। सर्विक्स जो है यूट्रस और बर्थ कैनाल के जंक्शन को कहते हैं। ये सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स का कैंसर इंडिया में नंबर टू कैंसर देखा गया है विमेन में। अच्छी बात ये है कि जहाँ अभी हमने सीखा कि कोविड से बचने के लिए हम वैक्सीन लगाते हैं, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स के कैंसर से बचा जा सकता है अपनी बेटियों को वैक्सीन दिलवा के। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है ताकि कैंसर ना हो। तो ये जो वैक्सीन के बारे में आप बता रहे हैं, एक तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है, और दूसरा ये कि ये किस एज ग्रुप में लगाई जा सकती है। सो अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। जो वैक्सीन की एफिकेसी अभी वर्ल्ड ओवर देखी गई है वो 70% एफिकेसी है। 70% का क्या मतलब है कि अगर हमने इस वैक्सीन को, जनरली हम बच्चों को देते हैं इसको, इसकी जो देने की एज है वो 10 टू 15 ईयर्स है, 10 से 15 साल की एज में इसको दिया जाना चाहिए। अभी भी इस वैक्सीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं किया है। उसका एक मेन कारण ये है कि वैक्सीन की अभी कॉस्ट है और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वैक्सीन इजीली सब हॉस्पिटल्स में, हर जगह, छोटे बड़े सभी शहरों में अवेलेबल है। तो अपने बच्चों को, ये अपनी डॉटर्स को ये वैक्सीन हमें ज़रूर लगवानी चाहिए। अगर किसी की बेटी की उम्र 15 साल से ज़्यादा भी हो गई है तो भी वैक्सीन ले सकते हैं। प्रेफरेबली मैरिज के पहले, शादी होने के पहले बेटियों को ये वैक्सीन ज़रूर लग जानी चाहिए। वैक्सीन की एफिकेसी 70% होने का मतलब ये है कि अगर किसी विमेन ने, ये किसी बच्चे ने ये वैक्सीन ली है, तो ये वैक्सीन उसको 70% प्रोटेक्शन देती है। इसका मतलब ये है कि बाद में भी, बड़े होने के बाद, 40 साल की उम्र के बाद, इसके कैंसर डिटेक्शन का एक टेस्ट होता है जिसको पैप टेस्ट कहते हैं, पैप टेस्ट, वो टेस्ट फिर भी उनको करते रहना चाहिए। बट 70% काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन माना जाता है। कई बार वैक्सीनेशन से लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट भी होता है, तो क्या इस वैक्सीनेशन का भी कोई साइड इफेक्ट है या बिल्कुल सेफ है? सो ये वैक्सीन जो है इसका 0% साइड इफेक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और गरिमा, हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हम टीबी और टाइफाइड जैसी छोटी बीमारियों से बचने के लिए अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं, और आज एक नंबर टू कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन है और अवेलेबल है, मुहैया है, तो हमें ज़रूर इस वैक्सीन को बिना डरे अपने बच्चों को लगवाना है। तो हमने काफ़ी कुछ जाना वैक्सीनेशन के बारे में, लेकिन अब नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि जब किसी को कैंसर हो जाता है तो क्या कुछ साइंस हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि क्या हमें कैंसर ये हो सकता है? ये बहुत सही सवाल आपने पूछा कि सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं।
सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्टम्स हैं उसमें कॉमनेस्ट सिम्टम है एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना। तो किसी भी लेडीज़ को जिसको अपने रेगुलर पीरियड्स या माहवारी आ रहे हैं लेकिन बीच में दो साइकिल्स के बीच में कुछ एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है या कुछ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है या हस्बैंड से कॉन्टैक्ट में आने में ब्लीडिंग हो रही है या नीचे से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, सो ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। एक जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल ये है कि किसी को कोई भी सिम्टम 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है और रूटीन टेस्ट से, रूटीन दवाइयों से आराम नहीं हो रहा है तो उसको अपना डिटेल्ड चेकअप गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाके जरूर करवाना चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन कि हमने साइंस की बात की, वैक्सीनेशन की बात की, अब जब एक बार किसी को पता चल गया कि उसे सर्वाइकल कैंसर है तो उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? सर्वाइकल कैंसर जो है लार्जली क्यूरेबल कैंसर है, ये ज़्यादातर पेशेंट्स में इलाज करने से ठीक हो जाता है। इसका इलाज क्या करना है उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। सिर्फ स्टेज वन ए तक इसका जो ट्रीटमेंट है, प्रेफर्ड ट्रीटमेंट इसमें सर्जरी होता है, ऑपरेशन करके यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है, साथ में आसपास की कुछ लिम्फ नोड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं जिनको क्लियर किया जाता है। स्टेज 1B से स्टेज 4A तक इसका ट्रीटमेंट होता है रेडिएशन और कीमोथेरेपी से। ये लगभग 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है जहाँ बहुत हल्की मात्रा में कीमो दी जाती है। मेन इलाज रेडिएशन थेरेपी से किया जाता है जो 5 वीक्स तक एक्सटर्नल आरटी और लास्ट के 3 वीक्स में ब्रैकीथेरेपी की फॉर्म में दिया जाता है। अच्छी बात यह है क्योर रेट्स बहुत हाई हैं, ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। अक्सर जैसे लेडीज़ घबराती हैं कि अगर कैंसर के ट्रीटमेंट का इलाज करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे तो उससे हेयर लॉस होगा, तो इसमें कोई हेयर लॉस वगैरह नहीं होता और क्योर रेट्स भी काफ़ी हाई हैं। तो हमने आज काफ़ी कुछ जाना सर्वाइकल कैंसर के बारे में, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, साइंस, सिम्टम्स। क्या आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहती हैं लोगों को? मैं एक बहुत स्पष्ट मैसेज ये देना चाहती हूँ कि WHO ने एक मैंडेट दिया है कि जिस तरह से हमने स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी को दुनिया से ख़त्म कर दिया, इसी तरह से इस कैंसर को, सर्वाइकल कैंसर को अगर हम वैक्सीनेशन करवाएं तो दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं। सो लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्राइव एंड लेट्स वैक्सीनेट आवर गर्ल्स इन टाइम। थैंक यू।